ऑपरेशन विजय की वर्षगांठ के अवसर पर देश भारतीय सेना के शौर्य को नमन कर रहा है। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 26 जुलाई 1999 को देश के वीर सपूतों ने कारगिल में पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया था। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर 10 डिग्री से भी कम तापमान में 60 दिनों से भी ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त की। तब से आज तक हम गौरवान्वित होकर भारतीय सेना की इस विजय गाथा को प्रत्येक 26 जुलाई पर कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे क्या उद्देश्य था पाकिस्तान का और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। 28 मई 1998 को भारत के साथ ही पूरा विश्व भी सकते में था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे असफल, गैर जिम्मेदार और अतिवादी समर्थक देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था, जो सफल भी हो गया। इसी परमाणु परीक्षण की सफलता के जोश में पाकिस्तान ने नापाक रणनीति बनाई, जिसके माध्यम से वह जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। भारत में घुसपैठ की पूरी रणनीति अहम पड़ाव पर थी। छोटी छोटी टुकड़ी में पाकिस्तान के लगभग 5,000 सैनिक भारत की सीमा में युद्ध के लिए भेजे गए। पाकिस्तान ने अपने इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इस घुसपैठ में पाकिस्तान ने लेह और कश्मीर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में आधिपत्य कर दोनों के बीच संपर्क तोड़ने की योजना बनाई थी। इस क्षेत्र में आधिपत्य जमाने से कश्मीर से संपर्क टूटने की पूरी संभावना थी, जिसके बाद पाकिस्तान अतिरिक्त सैनिकों को बुलाकर कश्मीर में भी हमला कर सकता था। जैसे ही घुसपैठ की सूचना सेना के जवानों को मिली, सेना ने अपनी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी, जिस पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया। 8 मई को ऑपरेशन विजय की घोषणा कर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ना आरंभ किया। ऑपरेशन विजय आरंभ होते ही भारतीय सेना पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़ी। थल सेना की मदद के लिए वायुसेना ने भी 11 मई से ही कमान संभाल ली। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत द्रास, टाइगर हिल और बटाली क्षेत्र के लिए ऑपरेशन चलाए गए थे। कड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भारतीय सेना ने 13 मई को द्रास को वापस अपने अधिकार में ले लिया। वहीं सबसे मुश्किल माने जाने वाले क्षेत्र टाइगर हिल पर भी भारतीय सेना ने 5 जुलाई को तिरंगा फहराया था। बटालिक क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को 7 जुलाई तक पूरी तरह खदेड़ दिया गया। थल सेना की मदद के लिए वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर आरंभ किया। इसमें MiG-21, MiG-27 और Mirage 2000 का प्रयोग किया गया। भारत माता के सपूतों के शौर्य के आगे भारत की धरती पर जमे पाकिस्तानियों के पैर थर थर कांपने लगे और फिर टाइगर हिल व जुबर हिल पर भारतीय सेना ने जीत प्राप्त की। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के समर्पण के साथ युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसमें भारत विजयी हुआ। इस जीत ने एक ओर हर देशवासी को गौरवान्वित किया, तो वहीं हम सभी देशवासी उन बलिदानियों के सदैव के लिए ऋणी हो गए, जिन्होंने इस धरती को अपने लहू से धन्य कर दिया। भारत और भारत के लोगों के लिए यह शौर्य का दिवस है, विजयी दिवस है।